देश दुनिया के आंखें तब चौंधिया गई जब एक जूस बेचने वाले लड़के ने अपनी शादी में करीब 200 करोड़ रुपए पानी की तरह बहा दिए। इस शादी में कई बड़े जानी मानी हस्तियां और कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी उपस्थित थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ महादेव ऑनलाइन बेटिंग गेम, जिसके ऊपर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। इसी समय में छत्तीसगढ़ के भिलाई में जूस बेचने वाला सौरभ चंद्राकर ने ऑनलाइन और इलीगल बेटिंग ऐप की शुरुआत की। कई बड़ी हस्तियां और बॉलीवुड स्टार्स ने इसका प्रचार प्रसार भी किया, जिसके तहत ईडी ने रणवीर कपूर को एक नोटिस जारी। एक्टर रणबीर कपूर समन बाय द एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, दिस इन द महादेव बेटिंग स्कैम। ईडी समन रणबीर कपूर। अभी तक की मिली जानकारी के मुताबिक महादेव बेटिंग ऐप के ही एक सहयोगी ऐप के लिए रणवीर कपूर ने एक विज्ञापन शूट किया था, जिसकी फीस रणवीर कपूर ने कैश ली, जिसके चलते ईडी ने रणवीर कपूर को एक नोटिस जारी किया है और 6 अक्टूबर को रणवीर कपूर के साथ ये पूछताछ की जाएगी कि आखिर क्यों उन्होंने इस फीस को नगद में लिया। दुबई में की गई सौरभ चंद्राकर की इस 200 करोड़ की शादी में कई बड़े सेलिब्रिटीज और बॉलीवुड स्टार मौजूद रहे, जैसे कि फेमस सिंगर विशाल ददलानी, नेहा कक्कर, सनी लियोनी, टाइगर श्रॉफ, फेमस कॉमेडियन कृष्णा अभिषेक, अली असगर, भारती सिंह और कई एक्टर्स को इस शादी में बुलाया गया था। इन एक्टर्स ने न सिर्फ शादी अटेंड करी बल्कि कई परफॉर्मेंस भी दी, जिसके तहत इनको लाखों रुपए फीस के तौर पर दिए गए। इसी के चलते ईडी ने रणवीर कपूर को समन जारी किया और रणवीर कपूर से ईडी 6 तारीख को पूछताछ करेगी। रणवीर कपूर पर हवाला के जरिए पैसे लेने का आरोप लगा है और इसका भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में अपनी आगे की कार्रवाई में ईडी उन सभी सितारों से पूछताछ कर सकती है जो उस समय उस 200 करोड़ की शादी में मौजूद थे। मजे की बात तो ये है कि 200 करोड़ की शादी रचाने वाला सौरभ चंद्राकर किसी समय भिलाई छत्तीसगढ़ में जूस बेचा करता था और आज ये 5000 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मोस्ट वॉन्टेड है और ईडी के रडार पर है। महादेव बेटिंग ऐप के दोनों प्रमोटर सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल छत्तीसगढ़ के ही और ये दुबई में रहकर अपने इस ऐप को ऑपरेट करते हैं। महादेव बेटिंग ऐप को करीब 30 अलग अलग जगहों से ऑपरेट किया जाता है। भारत में भी इसके कई शहरों में सेंटर्स है। ईडी ने पिछले साल इसके एक सेंटर पर छापा मारा और एक दो नहीं बल्कि 417 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त करी। इसके अलावा रायपुर, कोलकाता और भोपाल सहित करीब 39 ठिकानों पर ईडी अभी तक छापा मार चुकी है। 6 अक्टूबर को होने वाली रणवीर कपूर से पूछताछ के बाद ही पता पड़ेगा कि क्या रणवीर कपूर का भी इसमें हिस्सा है या नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा हर नया वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।